तक भी डॉक्टर दिखाई नहीं दिया। इसका कोई गिनती नहीं, अनगिनत है। मिला के सबसे ऊंचा घोड़ा, इससे ऊंचा घोड़ा आप नहीं देखे। कितना से नस्ल के घोड़े है? राजस्थानी। एवरीवन, आप सबका फिर से एक और नए ब्लॉग पे स्वागत है। फिलहाल गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सोनपुर मेला के घोड़ा बाजार में, जो कि बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। लेकिन क्या बता, हम लोग कुछ ज़्यादा ही लेट से आए, 3 से 4 दिन बाद हम लोग बहुत सारे घोड़ा चला भी गया। बात कोई ना, आपको पूरा घोड़ा दिखाऊंगा मैं यहां का। तो चलते हैं अंदर, आपको सारा व्यापारी सबसे बात करके दिखाऊंगा कैसा घोड़ा है, किस टाइप का घोड़ा है, आपको लेना है आना मत आना, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पे हमारे साथ हो चुके हैं घोड़ा के व्यापारी। आइए इनसे बात करते हैं किस टाइप का घोड़ा है इनका घोड़ा। यहाँ पर ये सब जो घोड़ा है ना, ये सब घोड़ा इन्हीं का है? ये सब आप ही का है क्या? हमारे ये सब इन्हीं का घोड़ा। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? यूपी से आए हैं। यूपी कितना घोड़ा लाए थे? लाए थे 15-20 घोड़े लाए थे। सारे बिक गए? हाँ, पाँच रह गए। पाँच रह गए, मतलब कितने रेंज का ये सब घोड़ा है? 50,000 का, 20,000 का, जैसा घोड़ा जैसा पैसा दाम है। अच्छा, मतलब क्या लगता है इस बार, मतलब सोनपुर में इतने दिन बाद लगा है, क्या लोगों का, मतलब क्या लोग आ रहे हैं अच्छे से व्यापारी? नहीं, बहुत कम ग्राहक आ रहा है। पहले ये सब सोनपुर नहीं बिकता है, अब बहुत कम बिक रहा है। अच्छा, यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि 2 साल के बाद लॉकडाउन के बाद मेला लगा है, लोग बहुत ही कम आ रहे हैं यहाँ पे घूमने। चूंकि इस बार हुआ क्या है ना, शुरू में हल्ला उठ गया था सोनपुर मेला नहीं लगेगा, लेकिन बाद में हुआ कि सोनपुर मेला लगेगा, जिसके कारण बहुत ही कम लोग आए हैं सोनपुर मेला में घूमने के लिए। अंकल ने जैसा बताया कि इनका घोड़ा को इस बार उतना अच्छा सेल नहीं हुआ है। इन्होंने 15 घोड़ा लाए थे, 5 घोड़ा बच गया, 10 घोड़ा बिक गया है। लेकिन फिलहाल इनके पास जो घोड़ा है बहुत ही अच्छे नस्ल का घोड़ा। कौन से नस्ल का घोड़ा है आपके पास? मारवाड़ी। मारवाड़ी यानी पंजाबी। मारवाड़ी और पंजाबी नस्ल का इनके पास घोड़ा है, जो कि बहुत ही अच्छे नस्ल का घोड़ा होता है। तो यहाँ पे करीबन यहाँ पे 2 व्हाइट कलर का घोड़ा, और इस साइड जो ये सब जो घोड़ा है ना, ये अंकल का ही घोड़ा है, बहुत ही बेस्ट घोड़ा है। तो फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं आगे और आपको घोड़ा का दिखाऊंगा मैं। खगड़िया नस्ल का ही लोग जो है ना, खगड़िया नस्ल का माल आता है हम लोग का, जो है आमा जानवर होता है, हम लोग खगड़िया नस्ल जानवर बेचते हैं। सोनपुर मेला में अब की बार तो 2 बार लॉकडाउन की चक्कर में हम लोग नहीं आ सके, तो हम लोग जो अब की बार आए हैं। बिक्री जो चल रहा है ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। जितना मेला लगता था उससे माल मेला तो जमा है खूब बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानवर जो है सो सीधा जानिए कि 50% जानवर है उतरा है अभी। अच्छा। मेला में घोड़ा के अंदर आते वक्त हमें एक बहुत, मतलब कि यहाँ पे जो घोड़ा है बहुत अच्छा है, इनके पास घोड़ा है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? आपका उपेंद्र सिंह नाम है। कौन से डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से आए? आरा जिला। आरा जिला से कहाँ से? भोजपुर। भोजपुर से, भोजपुर आरा से आया। कितना सारा घोड़ा लेके आए थे? 13 लेके आए। कितना बस इतना ही, 5 घोड़ा बचा हुआ? 4 चार 13 में से अंकल का 4 घोड़ा सिर्फ बचा हुआ, बाकी सारा घोड़ा इनका बिक गया है। कैसा इस बार सोनपुर मेला का सेल कैसा लग रहा है 2 साल के बाद जो मेला लगा है? क्या लोगों, मतलब लोग आ रहे हैं घूमने या फिर नहीं आ रहे हैं, लोग का क्या, मतलब लोग आ रहे हैं घूमने? घोड़ा मतलब अच्छा से घोड़ा बिका है? अच्छा तो बढ़िया, इनके पास घोड़ा ये सब आया हुआ है, घोड़ा ये सब बहुत अच्छा है। अंकल के पास अगर आप घोड़ा देखोगे तो ये राजस्थानी नस्ल के सारे घोड़े हैं, बहुत ही बेस्ट घोड़े हैं। प्राइस कितना होगा अंकल इस सबका? 2 लाख रुपये का। जी हाँ, एक ये जो घोड़ा है ना, 2 लाख। नाम क्या हुआ इसका? मुन्ना। मुन्ना नाम है भाई, नाम भी प्यारा है, दाम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत देखते हैं।
हमारा नाम हुआ रामेश्वर सिंह उर्फ माला सिंह, घर एकमा, थाना एकमा, ब्लॉक रोड लाल कोठी, जिला छपरा, चलिए रहने वाला हूँ। अच्छा हाँ, लेकिन माल लाते हैं पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र ये सब से बाहर से माल लाते हैं। अच्छा, हर साल हर साल। हाँ, सोनपुर में दो साल इसे सब घोड़ा आप ही का है क्या? हाँ, घोड़ा एक से पाँच आया था। अच्छा, जिसमें 70 बिक गया, अभी 35 घोड़ा खड़ा है। भाई साहब 105 घोड़ा लेकर गए थे, 70 घोड़ा इन्होंने बेच भी दिया। कौन कौन से नस्ल का घोड़ा लाए थे आप? पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात मारवाड़। भाई साहब अभी मतलब यार इतना अच्छा अच्छे नस्ल का ये घोड़ा लाए थे, ये 70 घोड़ा बेच करके 35 घोड़ा बचा हुआ है यार, मतलब कि 105 घोड़ा लाना कोई कम बात नहीं है। और यहाँ पे जो इनका घोड़ा है ना, बहुत अच्छे अच्छे तरीके का घोड़ा है। पीछे जो इतना घोड़ा आप देख रहे हो, सारे घोड़ा इन्हीं का है। तो अब कब तक आप लोग रहना है? अभी एक हफ्ता रहिएगा। और मतलब क्या दो साल के बाद मेला लगा किस टाइम? अरे दो साल मेला का टूट जाने से बहुत कुछ क्षति हुआ, माने मेला लगा लेकिन बारे आना थोड़ा उसका असर पड़ा, लेकिन मेला आगे साल से फिर ठीक हो जाएगा। एशिया लेवल का मेला है। अच्छा हुआ था 3000 घोड़ा आया हुआ था। चलिए 3000 घोड़ा आया हुआ था यहाँ पे। बहुत अलग अलग सब घोड़े अलग अलग नस्ल के यहाँ पे घोड़े आए थे। यहाँ इस सुविधा में डॉक्टर बवसी डॉक्टर एक दिन आया। अच्छा, दिखा कर यहाँ पे भाग गए। अच्छा, यहाँ कोई माने कोई माल का कोई, नहीं। ना कोई मतलब सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की। डॉक्टर एक दिन के लिए आया। इस पे तो देखना चाहिए यार, मतलब घोड़े बाजार में इतने सारे घोड़े आए, कुछ घोड़े को हो जाए यहाँ पे कोई डॉक्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है इन लोगों को। अगर इन लोगों को डॉक्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती, शायद कोई घोड़ा अगर बीमार है, अगर उस साइड में हम लोग एक घोड़ा देखे थे जो कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ था, उस घोड़े का अगर कोई इलाज कर देता बहुत अच्छा होता। लेकिन यहाँ पे कोई भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं आया, जैसे कि चाचा लोग ने बताया है यहाँ पे कोई भी घोड़ा का प्रोवाइड डॉक्टर यहाँ पे नहीं आया है, जो कि बहुत ही बेकार एक चीज़ किया गया है यहाँ सोनपुर मेला में। फिलहाल अभी चलते हैं और आगे, और आपको अभी घोड़ा ये सब दिखाऊंगा। ऐसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर आप भी अगर घोड़ा यहाँ पे आते अगले साल से लेके, तो ये सब चीज़ का आप ध्यान रखना कि मतलब यहाँ पे कोई भी डॉक्टर की प्रोवाइड सुविधा प्रोवाइड की जाती है, ये सब चीज़ का आप ध्यान रखना है यहाँ पे। तो भाई साहब ओवरऑल मैं आपको मैं एक गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे घोड़ा बाजार में डॉक्टर की सुविधा प्रोवाइड की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग आते हैं घोड़े लेके, इन्हें क्या पता डॉक्टर कहाँ मिलेगा। तो सरकार से अनुरोध है कि यहाँ पे प्लीज़ डॉक्टर की सुविधा प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अंकल ने बताया कि यहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं आया था उनको घोड़े की तबीयत ख़राब था देखने के लिए। तो हाँ, ये चीज़ को तो भाई ये है कि डॉक्टर का सुविधा प्रोवाइड करना चाहिए था सरकार को। बाकी चलते हैं अभी आगे और देखते हैं अभी आगे क्या कुछ है। लेकिन हाँ, इस चीज़ पे थोड़ा अगर आप लोग भी आ रहे हो तो ज़रूर कवर करना इस चीज़ पे, और ये जो मैसेज आया ना जहाँ से आप लोग तक पहुँच पाए। घोड़ा बाजार में आओगे ना, यहाँ पे है एक कुत्ता, यानी ये तीन जो कुत्ता है ना भाई, बहुत बेस्ट कुत्ता है। आइए इनके मालिक से जानते हैं क्या क्या कौन कौन से किस टाइप का कुत्ता है। तो आइए देखते हैं, इनसे बात करते हैं किस टाइप का कुत्ता है। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जो बहुत सारे अलग अलग तरीके के कुत्ता है। इनके मालिक आप ही का ये सब कुत्ता है? मेरे नहीं, मालिक अभी नहीं है, मालिक अभी कहीं अलग है हुए। अच्छा, तो मतलब कि आप लोग ये कुत्ता के देखभाल ये सब करते हैं। तो ये मतलब ब्लैक वाला जो कुत्ता है ये कौन से नस्ल का? ये ठौर है। ठौर है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ठौर है। नाम ही ठौर है इसका। मतलब क्या ये खाता क्या क्या, मतलब सब कुछ? ये चिकन खाता है। कितना? यानी कि यहाँ पे अगर आप ये जो कुत्ता सब है ना, मतलब ऐसा मैंने पेपर में देखा था कि मतलब 40 रोटी खाता है ये कुत्ता। उससे ज़्यादा ही खाता है। उससे ज़्यादा एक कुत्ता 40 रोटी खा जाता है। और मतलब सब खाता है इतना ही? हाँ, सब अलग अलग और ज़्यादा ही डोज है सबका। अच्छा, जगह पेपर में देखा था कि मतलब जो कुत्ता सब है यहाँ पे 40 रोटी खाते हैं, 6 kg दही खाते हैं और 3 kg मटन ये सब खाते हैं। चिकन सब अपना अपना दूसरा दूसरा नस्ल के। अच्छा, ये जो इधर साइड वाइट वाले जो डॉग है ये कौन से नस्ल के? पाकिस्तानी बुल्ली है। ऐसे अगर ये बेचने के मोटिव से लाए थे या फिर लोगों को दिखाने के मोटिव से लाए थे? बेचने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए लाए थे, फाइटर के लिए कि कोई ऐसा डॉग है तो फाइट करे, लेकिन ऐसा तो कोई फाइटर है नहीं। मतलब ये सब जो डॉग है ये सब फाइटर डॉग है। अच्छा, ऐसे मान लीजिए कोई अगर लोग आएगा खरीदने के लिए, ऐसे प्राइस कितना रखे होंगे? कोई प्राइस नहीं, बेचना ही नहीं है। बेचना ही है, ये नहीं देखने के पर्पस ला है, देखने के पर्पस। ऐसे आप लोग हर बार ये, मैं भी यहाँ आता हूँ देखता हूँ, हर बार यहाँ पे ये सब कंटिन्यू हर साल जब मेला लगता तब आते हैं। हर बार अलग अलग तरीके के कुत्ते आते हैं? हाँ, बदलते रहते। अच्छा, और कुत्ते यही तीनों कुत्ते या फिर और सब कुत्ते सब है घर पर? तो और सारे है, अभी एक और था जो चला गया। हाँ, यहाँ पर था एक, यहाँ बरसा सब नहीं था तो चला गया। अच्छा, मतलब ये तीनों रेयर कुत्ते हैं जो है। और इधर साइड में जो ये भेड़ है ये कितना है?
ये किस टाइप का है मतलब इस... ये नेपाल से लाया गया था फिर नेपाल से लाया गया था ये भी फाइटर ही है क्या सब फाइटर है कोई और लड़ाना चाहता है तो लेके आए हम लड़ाएंगे उससे भाई साहब यहाँ पर ये जो कुत्ते ये सब आए हैं ना भेड़ ये सब आए बहुत अलग अलग तरीके से भेड़ आया है जैसे कि कुत्ता जो ये थॉर कुत्ता है और इस साइड में आपको मैं आपको इस तरह का कुत्ता दिखाऊंगा अगर ये जो ब्लैक वाला जो कुत्ता है ना इसका नाम थॉर है और ये भी देखो सोया कितना कितना डरावना लुक लग रहा है ना इसका अभी कोई साइड से तो दूसरा क्रॉस कर जाए कुत्ता तो लगेगा कि इसको पकड़ लेगा अच्छा पिंजरा तोड़ देगा भाई देखो इसे कितना बड़ा पिंजरा में इसे रखा गया और यहाँ पे ताला बंद रहता है अभी ताला खुला हुआ है और यहाँ पर ये जो व्हाइट वाला कुत्ता है ना और उस साइड ये दोनों पाकिस्तानी बुल्ली है ये मतलब कि बहुत एक अलग तरीके का बोलते हैं ना रेयर कुत्ता इसे ये सबको बोला जाता है ये सब जो है जैसे भैया ने बताया ये सब फाइटर डॉग्स है बहुत ही बेस्ट तरीके का ये सब कुत्ता है तो ये सब ऐसे सोनपुर मेले में सिर्फ देखने के लिए लाया गया है बेचने के पर्पज से इसे नहीं लाया गया अभी कितने दिन तक और रहेगा आप लोग आज चले जाएंगे आज रेस होएगा नहीं तो रह के क्या करेंगे हाँ रेस होगा नहीं तो सही बात है मतलब ये जो अब ये आज आज भर ये लोग यहाँ रहेंगे और जैसे कि लोग पिछले संडे को इसे आया था लोग पिछले संडे को आए थे ना हाँ पाँच तारीख से हाँ तो पिछले संडे को ये लोग आए थे और यहाँ पे एक हफ्ते के लिए ये लोग रुके और कुत्ता जो है ना बहुत भीड़ बहुत यहाँ पे लोगों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है पीछे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लोगों का यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है ये कुत्ते को देखने के लिए और ये इसे एक रेयर में से रेयर कुत्ता इसे बोला जाता है क्योंकि ये पाकिस्तानी बुली है पाकिस्तान में ऐसा ब्रीड सिर्फ पाया जाता है तो मेरे पास दो घोड़े भी है ये घोड़े का नाम क्या क्या है ये जजबाज है जबाज जबाज ये कौन से नस्ल का ये सब घोड़ा ये नस्ल सिंधी मरवाड़ी में से बोला जाता है अच्छा सिंधी मरवाड़ी तो ये सब भी घोड़ा आप बेचने के पर्पज से लाए या फिर सो के पेस बेचने के लिए नहीं लाए सब बेच रेस के लिए सब रेस के लिए ही घोड़े सब है तो ये काफी तगड़ा घोड़ा लग रहा है ये दोनों सोनपुर में ला के सबसे ऊंचा घोड़ा इससे ऊंचा घोड़ा आप नहीं देखे होंगे कितना हाइट कितना है इसका इसका हाइट तो 68 इंच से भी ऊपर 68 इंच से भी ऊंचा काफी लंबा घोड़ा है ये हाइट बहुत ज्यादा ऊंचा है घोड़ा का घोड़ा बहुत बेस्ट है और फिलहाल आपके घर पे ऐसे कौन कौन से तरीके के मतलब किस टाइप के घोड़े ये सब घोड़ा और है या फिर गाय कौन कौन से गाय है कुत्ता है जानवर बहुत सारे हैं वहाँ पे अभी लेकिन घोड़े अब दो ही हैं अच्छा मतलब सब चीज़ को आप सिर्फ शो के लिए रखे हैं बेचने के लिए कुछ नहीं रखे है यही ना तो भाई कुत्ते ये सब में मतलब कि कितना आपका अप्रॉक्स ये सबको खाने पीने में खर्चा आता होगा इसका कोई गिनती नहीं अनगिनत है ये कितना खा जाएगा इसका पूछना भाई और वो अलग घोड़े वाला कोबरा है कोबरा और नस्ल कौन सा है भाई साहब यहाँ पर जो घोड़े और कुत्ते सब आए ना भैया ने बताया कि ये कितना खाएगा कोई पता नहीं है यार मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्च होता है ये लोग को रखने में और सही से इन लोग को मेंटेन करने का और मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई ये इस टाइप के कुत्ते को रखेंगे कोई तो उनसे मेरे को नहीं लगता कि इस टाइप से जैसे ये लोग ने केयर करके रखता है घोड़े को अच्छे तरीके से घोड़े और कुत्ते को देखभाल करते हैं इन्होंने बताया कि इनके घर पे भी और अलग अलग तरीके के कुत्ते हैं जानवर है भैंस है गाय है सब तरीके का अलग अलग जानवर ये लोग रखे और कोई भी चीज़ ना बेचने के पर्पज़ से ये लोग नहीं रखे हैं बहुत ही बेस्ट चीज़ है अगर आप भी चाहते हो यहाँ पे आके आप फिलहाल तो अब नेक्स्ट ईयर क्योंकि आज भर यहाँ पे ये लोग रुके हैं एक वीक रुके हैं चूँकि यहाँ पे कुछ घोड़ा का ये सब रेस वेस नहीं होने वाला है तो ये लोग आज ही चले जाएंगे यही पेंट करते हैं आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और दिन किसी नए व्लॉग में भगवान का आपका समय सुबह तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।